वर्तमान में अक्टूबर में जुलाई और अगस्त में फूल आते हैं। कमल के फूल अभी भी मजबूत जीवन शक्ति बनाए हुए हैं। बर्फीली सर्दी में भी ये कमल के फूल बच जाएगा प्राकृतिक वातावरण में। चावल की खेती के लिए खेती योग्य भूमि आमतौर पर इसमें बहुत अधिक नमी होती है और इसलिए अच्छे तालाब बनाना आसान है। इन अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों का निर्माण करें। सी हिंग सिटी में स्थित लोट्स थीम पार्क अच्छी तरह से स्थित है विभिन्न प्रकार के कमल पुष्पों के साथ। भविष्य में पर्यावरण अनुकूल गंतव्य की रचना करके इस पार्क के विकास की संभावना होगी। विशेष रूप से सामंजस्यपूर्ण उपस्थिति के साथ बड़ी और छोटी सुविधाएं रखे गए एक तालाब के साथ जहां पृष्ठभूमि में कमल के फूल उगते हैं। कमल और जीनस लोट्स के बारहमासी पौधे। जल लिली की पत्तियां पानी से जुड़ी होती हैं, जबकि कमल के फूलों के तने पानी के ऊपर फैले हुए होते हैं और पत्तियां तैरती हुई होती हैं हवा में। भारत का मूल निवासी एक फूल। जब आप कमल के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में सोचना आसान होता है, एक जलीय पौधे के रूप में जो तालाब पर तैरता है, लेकिन वास्तव में ये कीचड़ में उगता है, चावल के खेत और दलदल। इसका उपयोग न केवल सजावटी उद्देश्यों के लिए बल्कि खाद्य और औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। प्रयोजनों के लिए इसलिए कमल की जड़ के तने का उपयोग अक्सर कोरिया में भोजन के रूप में किया जाता है। इसी वजह से कभी कभी जब आप गर्मियों में ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, आप ऐसी जगहें पा सकते हैं जहां चावल के बजाय कमल के फूल बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। फूल सुंदर और सुगंधित होते हैं, इसलिए कमल उत्सव अक्सर आयोजित किए जाते हैं। इसे अक्सर जल लिली समझ लिया जाता है। अल्पविराम, जो मिस्र के मूल निवासी हैं, लेकिन उन्हें अलग करना जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। कमल के फूल की पत्तियां पानी के ऊपर चिपकी रहती हैं, लेकिन जल लिली की पत्तियां पानी के करीब रहो। शैक्षणिक मानकों के अनुसार कमल, नेलुम्बो और वाटर लिली निम्फिया कक्षा स्तर से बिल्कुल भिन्न है। कमल प्रोटिया क्रम के कमल परिवार से है और जल लिली है ऑर्डर प्रोटिया के लिली परिवार से। ये बात 1995 में सामने आई थी। फाइलोजेनी के संदर्भ में कमल के करीब है मैकाडामिया जल लिली की तुलना में और केले के पेड़ के अधिक निकट है एक मौजूदा पौधे की प्रजाति के रूप में। रंग भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें गुलाबी कमल, सफेद कमल, पीला कमल और नीला कमल कहा जाता है, लेकिन वे वास्तव में बैंगनी रंग के करीब हैं। कमल के पत्तों में पानी को रोकने का गुण होता है, इसलिए जब वर्षा का पानी एक निश्चित सीमा तक भर जाता है तो वे नीचे गिर जाते हैं। ये गंदे पानी से भी गीला नहीं होता है और वैज्ञानिकों ने इसकी संरचना का अध्ययन किया है। टेबलवेयर और कपड़ा बनाने के लिए कमल के पत्तों का उपयोग किया जाता है, जिनमें ये गुण होते हैं जो कभी गीला नहीं होता। एक साधारण कमल का पत्ता एक व्यक्ति के चेहरे को ढकने के लिए काफी बड़ा होता है, लेकिन एक पत्ता कमल जो तेजी से बड़ा है वह एक व्यक्ति की ऊंचाई से अधिक हो सकता है, यहाँ तक कि पानी के बाहर भी, और पत्तियाँ इतनी बड़ी हैं कि उन्हें छाते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बेशक आपको कमल के पत्ते चुनने के लिए पानी में जाना होगा, लेकिन बरसात के दिनों में पानी बढ़ जाता है जिससे वास्तव में उनका उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। छतरियों के रूप में कभी कभी लोग कहते हैं कि उन्होंने जमीन पर कमल के पत्ते उगते हुए देखा, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे तारों से भ्रमित थे।